गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हमारी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम कुछ और वर्ड्स देखते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है ब्रोट। ब्रोट का मीनिंग होता है चोरा, का सिनोनिम होता है वाइट, का एंटोनिम होता है नेगो। अब बताइए बेटा, जो वर्ड चोरा है, चोरा का अपोजिट वर्ड क्या होगा? जो वर्ड चोरा है, चोरा का बेटा अपोजिट वर्ड क्या होगा? चोरा का जो विपरीत शब्द है वो क्या होगा? तो बेटा चोरा का जो विपरीत शब्द है वो क्या हो जाएगा बेटा? संकरा। चोरा का जो विपरीत शब्द है वो क्या हो जाएगा बेटा? संकरा। तो जो ब्रोड है इसका मीनिंग है चोरा, चोरा का विपरीत शब्द है संकरा, संकरा को अपोजिट में बोला, संकरा को इंग्लिश में बोला जाता है नेगो। तो ब्रोड, ब्रोड का सिनोनिम हो जाएगा वाइट, एंटोनिम हो जाएगा नेगो। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, इसका सिनोनिम होता है बेटा इरेक्ट। निर्माण करना जो शब्द है इसका विपरीत शब्द क्या होगा? विनाश करना या नष्ट करना, और नष्ट करने को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मीनिंग क्या होता है? नष्ट करना। डिस्ट्रॉय का मीनिंग क्या होता है? नष्ट करना। तो जो बिल्ड है इसका सिनोनिम हो जाएगा इरेक्ट और एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय। तो बिल्ड इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इरेक्ट, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा बिटर। बिटर का मीनिंग होता है तीखा, और बिटर का सिनोनिम होता है बेटा एक्रिड। अगर शब्द तीखा है तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा? इसका विपरीत शब्द होगा बेटा मीठा, और मीठा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्वीट। तो बिटर का सिनोनिम हो जाएगा एक्रिड और एंटोनिम हो जाएगा स्वीट। स्वीट को क्या बोलते हैं बेटा? मीठा। देखिए ध्यान से, ब्रोड, ब्रोड का सिनोनिम है वाइट, एंटोनिम है नैरो। ब्रोड वाइट नैरो, ब्रोड वाइट नैरो। बिल्ड, बिल्ड का सिनोनिम है बेटा इरेक्ट और एंटोनिम है डिस्ट्रॉय। बिल्ड इरेक्ट डिस्ट्रॉय, बिल्ड इरेक्ट डिस्ट्रॉय, बिल्ड इरेक्ट डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिटर। बिटर का सिनोनिम है एक्रिड, एंटोनिम है स्वीट। बिटर एक्रिड स्वीट, बिटर एक्रिड स्वीट। तीनों वर्ड क्लियर हो गए? एक बार और देखते हैं। ब्रोड वाइट नैरो, ब्रोड वाइट नैरो। बिल्ड इरेक्ट डिस्ट्रॉय, बिल्ड इरेक्ट डिस्ट्रॉय। बिटर एक्रिड स्वीट, बिटर एक्रिड स्वीट। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिगीव। बिगीव का मीनिंग होता है विश्वास, और बिगीव का सिनोनिम होता है फेथ। यदि शब्द विश्वास है तो विश्वास का विपरीत शब्द क्या होगा? विश्वास का विपरीत शब्द होगा बेटा अविश्वास, और अविश्वास को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डिस्ट्रस्ट। तो अविश्वास की इंग्लिश क्या होती है? डिस्ट्रस्ट, या डिस्ट्रस्ट की हिंदी क्या होती है? अविश्वास। तो जो बिलीफ है इसका सिनोनिम हो जाएगा फेथ, और एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रस्ट। तो बिलीफ इसका सिनोनिम हो गया फेथ, एंटोनिम हो गया डिस्ट्रस्ट। नेक्स्ट वर्ड है बेटा ब्लेस। ब्लेस का मीनिंग होता है आशीर्वाद देना, इसका सिनोनिम होता है सेंक्टिफाई। ब्लेस इसका मीनिंग होता है आशीर्वाद देना, और इसका सिनोनिम क्या होता है? सेंक्टिफाई। यदि शब्द आशीर्वाद देना है तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा? आशीर्वाद देने का विपरीत शब्द होगा अभिशाप देना, और अभिशाप देने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कर्स। तो कर्स का मीनिंग होता है अभिशाप देना। तो ब्यस, ब्यस का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सेंक्टिफाई, और एंटोनिम हो जाएगा कर्स। ब्यस सिनोनिम हो जाएगा सेंक्टिफाई, एंटोनिम हो जाएगा कर्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्राइट। ब्राइट का मीनिंग होता है तीव्र, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव। यदि शब्द तीव्र है तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा? तीव्र का विपरीत शब्द होगा स्लो। स्लो को हिंदी में क्या बोला जाएगा बेटा? स्लो को हिंदी में बोला जाएगा धीमा। तो तीव्र का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा बेटा? धीमा, और धीमा को इंग्लिश में बोला जाता है स्लो। तो ब्राइट, ब्राइट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लो। ब्राइट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लो। अब देखो बेटा, बिलीफ, बिलीफ का सिनोनिम फेथ, एंटोनिम डिस्ट्रस्ट। बिलीफ फेथ डिस्ट्रस्ट, बिलीफ फेथ डिस्ट्रस्ट। यस सेंक्टिफाई कर्स,
यस सेंटिफाई कर्स ब्राइट एक्टिव स्लो ब्राइट एक्टिव स्लो। तो ये देखते हैं बेटा आप लोगों को कितना याद हुआ, एक बार इसका रिवीजन करते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्रॉड, तो बताइए बेटा ब्रॉड जो है इसका सिनोनिम क्या होता है। यस इसका सिनोनिम क्या होता है बेटा, वाइट। एंटोनिम क्या होता है, नेगो। तो ब्रॉड का सिनोनिम होता है वाइट, एंटोनिम होता है नेगो। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिग्ड, बिग्ड का सिनोनिम क्या होता है, यस बिग्ड का सिनोनिम होता है बेटा इरेक्ट। एंटोनिम क्या होता है, डिस्ट्रॉय। तो बिग्ड इरेक्ट डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिटर, बिटर का बेटा सिनोनिम क्या होता है, बिटर का सिनोनिम होता है बेटा एक्रिड। एंटोनिम क्या होता है, स्वीट। तो बिटर एक्रिड स्वीट, बिटर एक्रिड स्वीट। आगे देखो बेटा नेक्स्ट वर्ड है आपका बिलीफ, बिलीफ का सिनोनिम क्या होता है बेटा, बिलीफ का सिनोनिम होता है ट्रस्ट, और इसका फेथ या ट्रस्ट दोनों ही हो सकते हैं। तो बिलीफ का सिनोनिम क्या होता है, फेथ या ट्रस्ट, और एंटोनिम क्या होता है बेटा, डिस्ट्रस्ट। तो बिलीफ फेथ डिस्ट्रस्ट, बिलीफ फेथ डिस्ट्रस्ट। यस ब्लेस का मीनिंग होता है आशीर्वाद, इसका सिनोनिम क्या बताया था, यस इसका सिनोनिम होता है बेटा सेंक्टिफाई, और एंटोनिम क्या होता है, कर्स। तो ब्लेस सेंक्टिफाई कर्स, ब्लेस सेंक्टिफाई कर्स। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा ब्राइट, ब्राइट का चलो पहले ये बताओ बेटा एंटोनिम क्या होता है, बताओ बताओ शाबाश वेरी गुड। ब्राइट का एंटोनिम क्या होता है बेटा, स्लो। सिनोनिम क्या होता है, एक्टिव। तो ब्राइट एक्टिव स्लो, ब्राइट एक्टिव स्लो। चलिए आगे कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारे सामने बेफल, बेफल का मतलब होता है चकरा देना, चकरा देने का मतलब किसी को कंफ्यूज करना। तो बेफल का मीनिंग होता है कंफ्यूज, चकरा देना, इसका सिनोनिम क्या होता है, कंफ्यूज। तो बेफल का सिनोनिम क्या हो गया, कंफ्यूज। अब यदि शब्द चकरा देना है तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा, इसका विपरीत शब्द होगा बेटा किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को कंफ्यूज करना या किसी को प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित करने को इंग्लिश में बोला जाता है बेटा इनकरेज, और इनकरेज जो है वो एंटोनिम होता है बेफल का। तो इनकरेज को हिंदी में बोला जाता है प्रोत्साहित करना। तो जो चकरा देना शब्द है इसका विपरीत शब्द होता है बेटा प्रोत्साहित करना, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इनकरेज। तो बेफल कंफ्यूज इनकरेज, बेफल कंफ्यूज इनकरेज, बेफल कंफ्यूज इनकरेज। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा बाइंड, बाइंड का मीनिंग होता है बांधना, और बांधने का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, कन्फाइन होता है बेटा। अब यदि आपके सामने बांधना शब्द है इसका विपरीत शब्द क्या होगा, बांधने का विपरीत शब्द होता है स्वतंत्र करना, फ्री करना। और स्वतंत्र करने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा, फ्री। तो बाइंड का सिनोनिम हो जाएगा कन्फाइन, और एंटोनिम हो जाएगा फ्री। तो बाइंड कन्फाइन फ्री, बाइंड कन्फाइन फ्री। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेटा बोर्जियस, बोर्जियस का जो सिनोनिम होता है वो होता है नॉर्मल, और बोर्जियस का अर्थ होता है बेटा मध्यम वर्गीय। अब यदि शब्द मध्यम वर्गीय है तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा, मध्यम वर्गीय शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है बेटा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी को हिंदी में क्या बोलेंगे, असाधारण। तो मध्यम वर्गीय का जो विपरीत शब्द है वो क्या होता है, वो होता है असाधारण। तो बोर्जियस का सिनोनिम हो जाएगा नॉर्मल, एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बोर्जियस इसका अर्थ है मध्यम वर्गीय, इसका सिनोनिम हो जाएगा नॉर्मल, और इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखो बेटा इधर ध्यान से, बेफल कंफ्यूज इनकरेज, बेफल कंफ्यूज इनकरेज, बाइंड कन्फाइन फ्री, बाइंड कन्फाइन फ्री, बोर्जियस नॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बोर्जियस नॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आगे देखो बेटा नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारे सामने कंसील, कंसील का मीनिंग क्या होता है बेटा, गुप्त रखना। कंसील का मीनिंग क्या होता है, गुप्त रखना। इसका सिनोनिम होता है बेटा कीप। अब यदि शब्द गुप्त रखना है तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा, खोल देना, भेद को खोल देना। तो डिस्क्लोज का मतलब होता है भेद खोलना। तो गुप्त रखने का अपोजिट शब्द होता है भेद खोल देना, और भेद खोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्लोज बोलते हैं।
तो कंसील कीप डिस्क्लोज, कंसील कीप डिस्क्लोज। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका कोर्स, कोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती करना और इसका सिनोनिम क्या होता है कंपेल। अब जबरदस्ती करना यदि कोर्स का मीनिंग है तो परसुएट का मीनिंग क्या होगा, परसुएट का मीनिंग होता है आप किसी को जबरदस्ती करते हो और परसुएट को क्या बोला जाएगा एक तरह से उसको प्रलोभित करना यानी उसको फुसलाना। ठीक है बेटा, तो प्रलोभित करने को हिंदी में परसुएट की हिंदी होती है प्रलोभित करना। तो जबरदस्ती करना इसका विपरीत शब्द होता है बेटा प्रलोभित करना, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है परसुएट। तो कोर्स कंपेल परसुएट, कोर्स कंपेल परसुएट। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेंशोर, सेंशोर का मीनिंग होता है निंदा, इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है कंडमनेशन। सेंशोर का सिनोनिम क्या हो जाता है कंडमनेशन। यदि निंदा है सेंशोर का तो निंदा का यदि विपरीत शब्द मुझे सोचना पड़े तो निंदा का विपरीत शब्द क्या होगा, निंदा का विपरीत शब्द होगा प्रशंसा करना और प्रशंसा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है एक्लेमेशन। तो निंदा का विपरीत शब्द होता है प्रशंसा जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एक्लेमेशन। तो सेंश्योर इसका सिनोनिम हो जाएगा कंडेमनेशन और एंटोनिम हो जाएगा एक्लेमेशन। तो देखो बेटा इधर ध्यान से, कंसील कीप डिस्क्लोज, कंसील कीप डिस्क्लोज, कंसील कीप डिस्क्लोज। कोर्स कंपेल परसुएट, कोर्स कंपेल परसुएट, कोर्स कंपेल परसुएट। सेंश्योर कंडेमनेशन एक्लेमेशन, सेंश्योर कंडेमनेशन एक्लेमेशन, सेंश्योर कंडेमनेशन एक्लेमेशन। चलिए बेटा देखते हैं हमें इसमें से कितना याद हुआ, अब आप बताइए। देखो बेटा फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा बैफल, बैफल का मीनिंग क्या है चकरा देना। यदि बैफल का मीनिंग चकरा देना है तो बेटा इसका सिनोनिम क्या बताया था आपको, चकरा देने को क्या बोला जाता है, चकरा देने का सिनोनिम क्या बताया था आपको कंफ्यूज। तो बैफल का सिनोनिम क्या हो जाएगा कंफ्यूज, और इसका फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा इनकरेज करना, इनकरेज करने का मतलब प्रोत्साहित करना। बाइंड, बाइंड का मीनिंग है बांधना, बेटा इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बाइंड का जब मीनिंग बांधना है तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा कन्फाइन, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा फ्री। तो बाइंड कन्फाइन फ्री, बाइंड कन्फाइन फ्री। बोर्जियस, बोर्जियस के ये हिंदी होती है बेटा मध्यम वर्गीय, बोर्जियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा नॉर्मल, बोर्जियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा नॉर्मल, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो बोर्जियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आगे देखो कंसील, कंसील का मीनिंग है गुप्त रखना, इसका सिनोनिम क्या था, इसका सिनोनिम था बेटा कीप, और इसका एंटोनिम क्या है एंटोनिम है इसका डिस्क्लोज। तो कंसील कीप और डिस्क्लोज, कंसील कीप और डिस्क्लोज। नेक्स्ट वर्ड है बेटा कोर्स, कोर्स का मीनिंग क्या था बेटा जबरदस्ती करना, जबरदस्ती करने के लिए हमने इसका सिनोनिम क्या है, इसका सिनोनिम होता है बेटा कंपेल करना और इसका अपोजिट क्या होता है परसुएट करना यानी प्रलोभित करना। तो कोर्स कंपेल परसुएट, कोर्स कंपेल परसुएट। सेंशोर, सेंशोर का मीनिंग है निंदा, इसका बेटा सिनोनिम क्या है, इसका सिनोनिम होता है सेंशोर का कंडेमनेशन और इसका एंटोनिम क्या होता है एक्लेमेशन। तो सेंशोर कंडेमनेशन एक्लेमेशन। ठीक है बेटा चलो आगे देखते हैं, वो तो गए। अच्छा चलिए बेटा आज इतने ही वर्ड्स हैं, तो बाकी वर्ड्स हम कल करेंगे। मेरी तरफ से बेटा आज इतना ही, सबको गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।